आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ गाइस। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि गर्मी आ चुकी है और अप्रैल से ही गर्मी ने आतंक मचा रखा है। अब तो मई आ गया, मई में देखो क्या होता है, और जून जुलाई अभी तो बाकी है मेरे दोस्त, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप लोग जैसे कि जानते हैं, जो मेरी बहनें मेरे भाई मतलब बाहर जाते हैं, धूप वगैरह में ट्रैवल करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो उनकी जो स्किन है आप लोग देखो काफ़ी टैनिंग हो जाती है स्किन पे, काफ़ी डल हो जाती है वो स्किन। स्किन को हेल्थी और ग्लोइंग बनाने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए फेस मास्क लेकर आई हूँ। इसको आप लोग फ्री टाइम में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स निकाल के अपने लिए कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को मेरी गारंटी है कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों की जो स्किन है वो काफ़ी हेल्थी नज़र आएगी। तो गाइज, अगर आप लोग भी ऐसी हेल्दी ग्लोइंग और टैनिंग रिमूव स्किन चाहते हैं अपनी समर के सीजन में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। कुछ थोड़े बहुत जोक मार दूं क्या, चलो छोड़ो खैर इन बातों को। बाकी मैं आप लोगों से एक चीज और बता देती हूँ गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में रेड कलर का बटन उसको प्रेस कर दे एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दे, जिससे कोई भी वीडियो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल सके गाइस। और एक चीज़ और कह देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बट अब थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है, आप लोगों की दुआ है कि मैं ठीक फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो बना ली जाए। तो आज अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी आप लोगों को समझ आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। तो सबसे पहले आप लोगों को लेना है बेसन। बेसन आप लोगों को पता ही है कि बेसिकली बेसन काम क्या करता है, टैनिंग रिमूव करता है। बेसन जो भी हमारे फेस पे टैनिंग हो जाती है या स्किन पे कहीं भी हमारे टैनिंग हो जाती है तो उसको हमारा जो बेसन है वो एकदम जड़ से मतलब बोलते हैं ना डीपली जाकर के रिमूव कर देता है। सेकेंड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बीटरूट पाउडर। आप लोग चुकंदर का रस भी निकाल कर, अगर आपको नेचुरली करना है तो आप लोग चुकंदर का रस भी निकाल कर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद आप लोगों को इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, बीटरूट का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बीटरूट किस काम आता है। आप लोगों को पता है बीटरूट हमारे जो डेड सेल होते हैं उनको रिमूव कर देता है और हेल्थी ग्लोइंग और पिंकिश स्किन बनाने के काम आता है बीटरूट, और ये बहुत जल्दी रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो है कर्ड। अब हमें 1 टीस्पून कर्ड लेना है, लेकिन ध्यान रहे कर्ड थिक होना चाहिए बिल्कुल, और इस तरीके से हमें पेस्ट बना लेना है। अब मैं ये जो आप लोगों को बता रही हूँ ये बीटरूट मास्क है, आप लोगों की स्किन पे जितनी भी टैनिंग हो जाती है इसको रिमूव करेगा। कर्ड का तो आप सबको पता ही है कि कर्ड क्या काम करता है, हमारी स्किन को हेल्थी रखने के लिए काफी अच्छा है। जिनको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी कर्ड या फिर मलाई को यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा। अब हमारा जो मास्क है आप लोग देख सकते हैं बन के हो गया रेडी, एकदम लग रहा है ना पिंक पिंक। अब मैं इसको आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि आप लोगों को अपने फेस पे किस तरीके से अप्लाई करना है। आप लोग ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं बट मेरे कुछ व्यूअर्स बोलते हैं मैम आप फिंगर से करके दिखाओ, तो आज मैं आप लोगों को फिंगर से भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है बट आप लोगों को ध्यान रहे कि आपको ये जो अप्लाई करना है मास्क इसको अपसाइड करना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में अपसाइड की तरफ मसाज करते हुए करना है इस तरीके से। आप लोगों को इसको लगा के 10 मिनट्स तक रखना है, उसके बाद आप लोगों को ग्लोई खुद ही देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को सर्कुलर मोशन में लगाना है जिससे कि मसाज भी हो जाती है। ये देख लो आप लोगों को किस तरीके से अप्लाई करना है, मैं एक एक पार्ट जो है बहुत क्लियरली दिखा रही हूँ। और एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है तो आप इस मास्क को बनाने के लिए दही की जगह मलाई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। बट मेरी ड्राई नहीं है इसलिए मैंने कर्ड का यूज़ किया है, आप लोग मलाई भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से 10 मिनट्स बाद मिलूंगी। आप लोग इसे लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों के लिप्स ब्लैक है तो, ठीक है, ये डेड सेल्स को रिमूव करेगा। तो गाइज हमारे जो 10 मिनट्स है वो गए कंप्लीट, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ फेस वॉश करने के बाद।
तो गाइस मैं आ गई हूँ फेस वॉश करके। मैं टिश्यू से अपना फेस आप लोगों को क्लीन करके दिखा रही हूँ कि मैंने कोई भी क्रीम या कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाया है। मेरी जो स्किन है बिल्कुल नेचुरल ही है, और ये जो ग्लो दिख रहा है आप लोगों को वो नेचुरली दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये सिर्फ वो बीट रूट का वो है और कुछ भी नहीं। मैं आपको अच्छे से क्लीन करके दिखा दे रही हूँ। देख सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये फेस मास्क मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि एकदम से ये फेस पैक लगाने के बाद और रिमूव करने के बाद एक तो इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है ना गाइस, बहुत मजा आ रहा है। और सेकेंडली चीज की एकदम ग्लोइंग हेल्थी स्किन हो गई है। तो आप लोग भी फटाफट देख के रहे हो, खड़े और जा करके ट्राई करो इस रेमेडी को, और फिर से कमेंट्स बॉक्स में रिजल्ट मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी मेरी ये रेमेडी जो आप लोगों को अपनी स्किन पे बहुत ही अच्छा वाला ग्लो देने वाली है गाइस। और एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक तो बनता है ना। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग एक लाइक भी नहीं देते और देख करके बस ऐसे निकल जाते हो, पहले की तरह ऐसे निकल जाओगे, ये तो बहुत गलत बात है। और किसी को अगर कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है किसी की भी, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, मैं आपकी प्यारी सी क्यूट सी बहन आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हमेशा रेडी रहती है। तो गाइज आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। जैसे मैंने बताया किसी को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर कोई चाहता है कि मैं इन चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं नेल एक्सटेंशन पे भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखा सकती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को नेल एक्सटेंशन सिखाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं नेल एक्सटेंशन आप लोगों को सिखाऊँ, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अगर आप लोग कहोगे कि मैम लाइव आके सिखाओ तो मैं लाइव आके भी आप लोगों के साथ नेल एक्सटेंशन की क्लास आप लोगों को दे सकती हूँ। दूसरी चीज़, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अब हम वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलती रहूँगी। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए ये वाली रेमेडी ट्राई करो और एंजॉय करो अपनी स्किन को लेकर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।